समाज सेवी सह धनवार विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने गांवा काली मंडा मंदिर में पूजा अर्चना कर माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद गांवा बाजार में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान काफी संख्या में समर्थकों ने माला पहनाकर उनका गर्म जोशी से स्वागत किया। इसके पूर्व उन्होंने गांवा बाजार हरला बिरेन पटना में जनसंपर्क अभियान चलाया और अपने पक्ष में मतदान की अपील की। देवघर के जलसार पार्क में स्वीप के तहत पेंट सिटी का कार्यक्रम कर मतदाता का जागरूक किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा योग गीत एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। आज हम लोगों ने कार्यक्रम करवाया, पेंट माई सिटी कार्यक्रम है। तो प्रयास है कि जितने भी हमारे यहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, साथ साथ में और जो आर्टिस्ट हैं, वो सुंदर चित्र बनाएंगे और उसके माध्यम से हम लोग जो 20 नवंबर को हमारे यहाँ पे मतदान की तिथि निर्धारित है, लोगों को प्रेरित करेंगे, वोटर्स को प्रेरित करेंगे कि बड़ी संख्या में आए और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ साथ में यहाँ पे योगा के अभ्यास के द्वारा भी हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि लोगों को मैसेज पहुँचे, और उसके अलावा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी बहुत सारी बारीकियों को समझाया गया है लोगों को, जिससे कि लोग प्रेरित हों और जैसा मैंने आपको बताया कि निर्भीक होकर मतदान केंद्र में पहुँचे 20 नवंबर वाले दिन और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। सर प्रतिशत क्या रहे? देखिए, पिछली बार भी हमारे यहाँ पे अच्छा परसेंटेज रहा था, इस बार हमारा वही प्रयास है कि पिछली बार के परसेंटेज से हम लोग ज़्यादा करें, एटलीस्ट 75% हम लोग एम करेंगे। आज हम लोगों ने कार्यक्रम करवाया, पेंट माई सिटी कार्यक्रम है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सुल्तानगंज के अजगैबिकनाथ धाम में छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि उत्तरवाहिनी गंगा होने के नाते गंगा स्नान का महत्व बढ़ जाता है। महापर्व छठ को लेकर जिले में व्यापक तैयारियां की जा रही है। थानाध्यक्ष प्रिय रंजन द्वारा सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। महापर्व छठ में छठव्रतियों को कोई भी परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु कैसा भीड़ था? भीड़ तो बहुत ज्यादा था। कैसे कंट्रोल किए आप लोग? कंट्रोल कर लिए हम लोग, और सभी सिपाही मिल करके जितने भी बल थे हमारे पास सबके साथ में कंट्रोल किया गया शांति से। सभी जगह तैनाती की गई है? जी जी, सभी जगह तैनात है। कौन कौन पुलिस बल को लगाया गया है? सभी जितने थाने में पुलिस बल है, और बजरा बल बुलवाया गया, STF लगाया गया, PMP लगाया गया, रात से ही लगे हुए हैं, बिहार पुलिस लगा 24 घंटा से हम लोग घाट चौक पर विधि व्यवस्था बनाए हुए।